यमुनानगर पहुंचे भाजपा नेता चौधरी जाकिर हुसैन और भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के लिए वोट मांगे हैं। बता दें कि अल्पसंख्यक मोर्चा सम्मेलन हुआ आयोजित, जिसमें विधायक घनश्याम दास अरोड़ा भी रहे प्रमुख रूप से मौजूद। मनोहर लाल के नेतृत्व में भाजपा ने अल्पसंख्यकों को नौकरियों और विकास कार्यों में दिया पूरा हक, यह कहना है चौधरी जाकिर हुसैन का। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों का दौर लगातार चल रहा है। हरियाणा में लोकसभा सीटों व करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए 25 मई को मतदान होना है। इसी कड़ी में सोमवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन मुख्य अतिथि के रूप में यमुनानगर जिले के गाँव मंडी में आयोजित अल्पसंख्यक मोर्चा सम्मेलन में लोगों के बीच पहुंचे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा रहे। कार्यक्रम में पहुंचने पर चौधरी जाकिर हुसैन पूर्व विधायक का अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री राकिब अली के नेतृत्व में लोगों ने फूलमालाओं के साथ जोरदार व भव्य स्वागत किया है। यहाँ यमुनानगर विधानसभा के गाँव मंडी में अल्पसंख्यक मोर्चा के श्री राकिब पूर्व सरपंच ने बहुत शानदार कार्यकर्ताओं की एक बैठक की, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और बहुसंख्या में मुसलमान इलाके के यहाँ पर उपस्थित हुए। और इस कार्यक्रम में श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी, जो यहाँ से लोकप्रिय विधायक हैं, वो यहाँ पर मेरे साथ रहे और भारतीय जनता पार्टी के और भी वरिष्ठ नेता यहाँ पर थे। और हम सब ने श्रीमती बंतो कटारिया जी के लिए वोट की अपील की, जिस पर इलाके के जिम्मेदारान ने, गांव के सभी मौजूदान ने विश्वास दिलाया कि इस चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कामों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। क्योंकि तो प्रदेश में आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा एक हरियाणवी के नारे पर काम करते हुए बहुत शानदार काम किए हैं सभी बिरादरियों के लिए, और ख़ासतौर पर अल्पसंख्यक और मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है, जिन्हें नायब सिंह सैनी जी आगे बढ़ा रहे हैं। और यमुनानगर में आदरणीय श्री घनश्याम अरोड़ा जी ने सभी बिरादरियों को साथ लेकर वो चले हैं और मुसलमानों के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है। इसी वजह से आज मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट दे रहा है, इसके लिए हमने उनका आभार जताया। 1 लाख रुपये का ड्राफ्ट मंच पे उन्होंने में दिया था, यू भाई मान थे कि मैं तैयब हुसैन जी की याद में ड्राफ्ट बना के लाई थी साथ। भाजपा नेता चौधरी जाकिर हुसैन ने आगामी लोकसभा चुनाव में अम्बाला से भाजपा के लोकप्रिय प्रत्याशी बंतो कटारिया के पक्ष में वोट की अपील की है। वहीं चौधरी जाकिर हुसैन का कहना है कि देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इस बार भाजपा 400 सीटें जीतकर इतिहास रचेगी। पूरे देश में भाजपा की लहर है, देश का आम जन खुशहाल व खुशहाल है। हरियाणा में भी भाजपा 10 की 10 सीटें जीतेगी तथा करनाल उपचुनाव में भी नायब सिंह सैनी जी की रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। साथ में सभी मौजूद लोगों व गाँव वासियों ने आश्वासन दिया कि भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। आप देखें लियाकत अली की रिपोर्ट। है लेकिन खास तौर पे ये कि हमें वो इसलिए लगता है कि हमें ये महसूस होता था कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए काम नहीं करेगी, इसीलिए वो काम कई गुना और हम महसूस करते हैं जो कांग्रेस के राज में नहीं हुए, तो आज वो हुए हैं। आदरणीय घनश्याम जी ने यहां पर करवाए, तो आज हमारा फर्ज बढ़ जाता है। और मैं भी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आज उनकी शान रखते हुए आप अपना एक एक कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी को दें, बहन बंतो जी को यहां से कामयाब करें, उन्हीं की कामयाबी में हमारी सबकी कामयाबी है, इसीलिए आपका बेटा ये भाई आपके बीच में हाजिर हुआ है। और मुझे यहां आदरणीय घनश्याम जी ने, आपने, सभी मंचासीन हमारे नेताओं ने यहां आने पर इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, हमेशा मेरे दिल में एक इसकी अपनी जी रहे। मेरी बहन मंत्री थी उस टाइम, लेकिन मैंने ये कहा कि हमारे पढ़े लिखे और
लोगों का ये फर्ज बनता है कि अगर कोई झूठ और भ्रम है तो वो निकालना जिम्मेदार के समाज के जिम्मेदार आदमियों की बात है। चुनाव की हार जीत मेरे लिए बड़ी नहीं है। 28 साल की उम्र में मैं आजाद जीता था, उस टाइम कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस कैंडिडेट की 4,500 वोट आई थी मेरे मुकाबले में, आप रिकॉर्ड में देख लेना। कांग्रेस की जमानत जब्त करा के मैं जीता। तो आप, मैंने कहा तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने आदरणीय मोदी जी और आदरणीय मनोहर लाल जी के जो काम थे, जिन्हें आज नायब सिंह सैनी साहब आगे बढ़ा रहे हैं, जिस जो आज हम आदरणीय घनश्याम जी और हमारे सभी जो मंचासी नेता हैं जो इलाके के विकास में लगे हुए हैं, उसी बात को देखते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और मुझे खुश। और एक बार फिर मैं घनश्याम जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आप इस चुनाव को अपना चुनाव मान के लड़ें और आप पाएंगे कि दूर रहते हुए जब इतना हुआ है तो नज़दीक आ पाएंगे तो इतना शानदार काम होगा कि दूसरों के लिए मिसाल हो जाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।